हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसे बनाने के लिए हमको इमली लेना है। मेरे पास पुराना थोड़ा सा इमली था तो उसी को हम ले लिए हैं। 25 ग्राम के लगभग इमली है और इसके अंदर से सारा बीज को निकाल लिए और उसमें हम गर्म पानी दे रहे हैं। गर्म पानी में 15 मिनट कवर करके रखेंगे तो इमली जो है फूल जाएगा, और फिर भी इसमें अगर कोई बीज रह जाता है तो इस टाइम पर हाथ से निकाल देंगे और इसको हम मिक्सी के जार में पेस्ट कर लेंगे। एक जार में लिए हैं, उसमें पेस्ट करके फिर इसको भी हम जो है ना छलनी में छान लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और छलने के बाद जो है इस तरह से हो जाएगा। छलना जरूरी है ना, तो रेशे जो रहता है इमली में रह जाता है और कोई दाना नहीं रहना चाहिए, इतना वेस्ट निकला छलने के बाद मेरा। फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे, फिर कढ़ाई में हम हाफ चम्मच सौंफ देंगे और हाफ चम्मच गोटा जीरा देंगे। दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट। इस तरह से ड्राई रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बना लेंगे। फिर हम एक चम्मच सरसों का तेल गरम हो जाए तब उसमें 1 पिंच हींग और हाफ चम्मच गोटा जीरा फोड़न देंगे। जैसे जीरा चटकने लगे तब हम उसमें जो पल्प्स निकल कर रखी थी इमली का छान करके उसको हम दे देंगे इस तरह से। और इस तरह का इमली का चटनी दही बड़ा में बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर इसमें हम नमक देंगे और देंगे सादा वाला नमक भी दिए और काला वाला नमक भी देंगे हाफ चम्मच करके। और इसमें भी हम लाल मिर्च पाउडर भी देंगे 1 चम्मच, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा तीखापन भी रहता है। बस इसको अभी हम उबलने दें 5 से 7 मिनट करके। बहुत अच्छी तरह से जब उबल जाएगा तब उसमें हम गुड़ देंगे। 25 ग्राम के लगभग गुड़ है। गुड़ भी दे करके हम 5 से 7 मिनट गैस के फ्लेम को लो रख करके उबालेंगे। बहुत अच्छी तरह से जब उबाल जाए तब फिर हम इसमें चीनी भी देंगे। जितना गुड़ दिए हैं उतना ही चीनी देंगे। चीनी देने से होता है इमली और गुड़ का बैलेंस को सही करता है। इस तरह से उबल जाए तब जो हम इसमें पाउडर बना कर के रखी थी सौंफ और जीरा का, उसको भी हम दे देंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए।